नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा हमारे देश की जो सशस्त्र सेनाओं में खासकर जो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स में जो पेंशन विसंगतियां, प्रमोशन विसंगतियां क्यों हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस समस्या का समाधान कैसे ठीक किया जा सकता है, इस विषय में जो है मैं चर्चा करूंगा और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों की भी पेंशन सही नहीं आ रही है और या प्रमोशन विसंगति है, उसमें एमएसीपी का एसीपी एमएसीपी और ग्रेड पे का क्या रोल है और ये कैसे ठीक हो सकता है और सिस्टम में कैसे सुधार करके ये ठीक हो सकता है, इसकी मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसके लिए ज़रूरी अपनी अपनी तरफ से सरकार को, संबंधित डिपार्टमेंट को, विभाग को, डीओपीडी को और संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी हमें भेजनी होगी कि भाई यहाँ पर ये सुधार की ज़रूरत है। तभी अपने अपने विभाग के जो हेडक्वार्टर हैं, जहाँ रिकॉर्ड हेडक्वार्टर है, रिकॉर्ड ऑफिस है हेड, तो वहाँ को भेजना होगा और ये अपने अपने पॉइंट्स भेजने होंगे, तभी इस समस्या का समाधान होगा। खाली हम लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे कि हमारा ये ठीक नहीं आ रहा, तो ये इसका समाधान नहीं होगा। ये पूरी फोर्सों की प्रॉब्लम है, कई फोर्सों की प्रॉब्लम है, ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लाखों लोगों की ये समस्या है। इस समस्या को के समाधान के लिए लोगों में जो निराशा है, जो उसको दूर करने के लिए, तो खुद कुछ करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अपने अपने सजेशन देने होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पेंशन विसंगति की, उसके बाद चर्चा करूँगा प्रमोशन विसंगति। तो पेंशन विसंगति क्या है, देखो क्यों हुआ है। जैसे जो 2006 से जो पहले की भर्ती हैं या जो पुराने लोग हैं, खासकर इन लोगों की जो है के सामने ज़्यादा है, तो सभी के लिए है, अगर नए लोगों के लिए थोड़ा कम है तो उनके लिए ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है नए। तो पुराने लोग जो 2006 से पहले के जो भर्ती हैं, इनका मेन कारण है कि उनका समय पर पेंशन का रिवीजन का न होना। समय पर रिवीजन नहीं होने के कारण उनको समय पर सही एसीपी नहीं मिली, समय पर सही उनको एमएसीपी नहीं मिली, जिस कारण से आज जो पुराने, बहुत सारे पुराने लोग 2006 से पहले, सपोज एक 20-22 साल का हौलदार है जिसकी हौलदार की बेसिक पेंशन अभी 21-22 हज़ार रुपये 20-22 साल में होनी चाहिए और उसकी बेसिक पेंशन किसी की 11 हज़ार, किसी की 12 हज़ार, 13 हज़ार, 14 हज़ार, इस तरह से बेसिक पेंशन दिखाई जा रही है। तो जबकि अभी जो है जो 20 या 21 साल में की जिनकी नईयों की सर्विस हो चुकी है, उनका जो अभी बेसिक पे 42 हज़ार 44 हज़ार के आसपास पहुंच चुका है। सपोज एक हौलदार है 22 साल का, तो उसकी बेसिक जो 20 साल से ऊपर उसकी बेसिक पेंशन, बेसिक पे ऑन सर्विस जो बेसिक पे है, मतलब 42 हज़ार के यदि आसपास है, तो उसकी अगर वह 20 साल में पेंशन आ जाता है और उसकी बेसिक पेंशन 42 हज़ार पहुंची है, तो उसकी जो पेंशन, बेसिक पेंशन होगी वो, यदि वो अभी आ जाता है, तो उसकी हो रही है 21 हज़ार रुपये। और एक जवान जो 2006 से पहले आया है उसकी हो रही है 11 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार। तो ये विसंगति जो उसकी, ठीक है जो आगे आया है ठीक, तो क्या है उसका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन की उसकी सही टाइम पर ना हो, लेकिन फिर भी उसकी जो है थोड़ा बहुत ठीक है। वैसे 20-21 साल का जो
में जो अगर हौलदार एक आता है तो उसकी 22-23 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन होना ये जायज भी है, जायज है, लेकिन जो न्यायिक लोकतांत्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जायज है क्योंकि एक देश का रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ जवान, खासकर पैरामिलिट्री फोर्स का हमारा जो तो विषम और विपरीत परिस्थितियों में देश की जो रक्षा सुरक्षा करता है, माइनस डिग्री टेम्परेचर में ऑक्सीजन रहित क्षेत्रों में दशकों तक जो है आतंकवाद क्षेत्रों में कार्यरत रहता है और कोई फील्ड उसे हमें कोई पीस स्टेशन उसे नहीं मिलता है, और खासकर असम राइफल का जो जवान है लगातार दशकों तक जो है जंगलों में पड़ा रहता है और विषम और विकट कठिन हालातों में सर्विस के कारण 20 साल के बाद 80-90% आदमी MOD ऑपरेशनल कमांड में के रूल के मुताबिक 60 साल जो सर्विस करना कठिन होने के कारण 90% आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आ जाता है 20 साल के बाद, तो 80-90% आदमी और आया है पहले और अभी भी आ रहा है, तो उनकी जो ये पेंशन विसंगति है ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसकी 12-13 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन आ रही है एक हौलदार की, और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरह से पेंशन के साथ साथ जो प्रमोशन का भी जो सिस्टम है वो भी जायज नहीं है। पहले फिर भी चौथे वेतन आयोग से पहले फिर भी एक योग्य आदमी 20 साल में कम से कम JCU रैंक तक योग्य आदमी पहुंच जाता था, लेकिन आज 30 साल 35 साल तक भी वो हौलदार में अटका रहता है। तो ये पेंशन विसंगति भी है और प्रमोशन विसंगति भी है, और तो इसको ठीक करने के लिए एक यही तरीका है कि जो अभी जो ऑन सर्विस में 20 साल में एक हौलदार, अगर एक सपोज असम राइफल का हौलदार अगर MOD ऑपरेशन, सबसे पहले मैं असम राइफल की बात करूंगा, MOD ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, तो असम राइफल का हौलदार अभी एक अगर 16 साल में या 18 साल में प्रमोशन हुआ, उसका फर्स्ट प्रमोशन हौलदार बना, तो उसकी अगर 22 साल 21 साल सर्विस है तो उसकी बेसिक पेंशन, लगभग हमने इसका सर्वे किया है तो बेसिक पे ऑन सर्विस में जो वो ले रहा है वो 42,000-44,000 के आसपास है, और यदि वह पेंशन आता है तो उसकी 21,000 बेसिक पेंशन बनती है, और ये फिर भी जायज है। लेकिन जो अभी पुराना है उसकी वो अभी जॉब में होता तो उसको भी वही लागू होता, 20 साल में उसकी भी बेसिक पे उतनी होती, तो उसकी बेसिक पे अगर 42,000 है तो बेसिक पेंशन उसकी 50% 21,000 उसकी बेसिक पेंशन बनती, लेकिन उसको ऐसा नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन मिल रही है 11,000-12,000-13,000। तो ये पेंशन रिवीजन की गलती है या उसकी MACP-ACP का सही रिवीजन सही नहीं होने का, तो इसको विभागों को जो हेडक्वार्टर्स हैं इनको ठीक करना चाहिए और इसका सर्वे करना चाहिए कि भाई जो अभी बेसिक पे जो पहुंची है वो कहाँ पहुंची है, और पुराने लोगों की जो पेंशन मिल रही है क्या वो ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है करके, इसका डिपार्टमेंटल सरकार की तरफ से कोई सर्वे ऐसा नहीं होता, जिस कारण से ये जो है बहुत एक जटिल समस्या है, और ये पेंशन और प्रमोशन की जो समस्या है इसके लिए जो है अभी हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि कई लोगों ने पहले जो है मेरे पास एक पूरी फाइल पड़ी है, तो ये जो है कई लोगों ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसका जो है ये केस एक डाला था कि जो है उसको सही MACP ग्रेड पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ये इसी हिसाब से, उसने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिया था वो
गलत नहीं दिया था, क्योंकि अभी उतना बेसिक पे पहुंच रहा है तो उतनी उसकी पेंशन उसको मिल रही है। तो उसने दिल्ली हाईकोर्ट ने, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने जब उसको सभी लोगों ने अगर डालना चाहा तो उसमें जो है कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसमें उसको बंद करा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हमें चिट्ठी लिखनी चाहिए और ऐसा ऐसा हो रहा है करके, विसंगति हो रही है करके DOPT को चिट्ठी लिखनी चाहिए, संबंधित मंत्रालयों को हमें चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इसमें जो भी जहाँ पर भी विसंगति है उसको सुधारने का वो किया जाए। हालांकि जो किसी के साथ भी अन्याय न हो, ना नए के साथ भी अन्याय न हो, पुराने के साथ भी अन्याय न हो, और तो इस तरह से उसकी ग्रेड पे ठीक करके, या तो उसकी ग्रेड पे ठीक करें। अगर 20 साल में यदि आप 4200 की ग्रेड पे दे देते हैं तो ऑलरेडी, अगर जैसे कोर्ट ने दिया था तो एक हौलदार को 20 साल में कोर्ट ने 4200 का ग्रेड पे, तो उसकी 21,000 बेसिक पेंशन बनती है। तो उसी हिसाब से अभी पे भी बन रही है उसकी, जो 20 साल 21 साल सर्विस में 40,000 से ऊपर बेसिक पे जा रही है, तो उसकी आधी पेंशन होगी, वो जायज़ था। लेकिन उसको सही आदमी जो सही जवाब नहीं देने के कारण, सही वकील नहीं होने के कारण कोर्ट ने उस पर उसको उसको बंद कर दिया। और तो हमें जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद किया है, लेकिन उसको जज साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर, हम कोर्ट के ऑर्डर की वो नहीं कर सकते, लेकिन जज साहब को चिट्ठी लिख सकते हैं कि इसमें ये जो है विसंगति हुई है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ी हो रही है करके। तो इस तरह से जो हमारा वाजिब, जो हमारा खून पसीने का जो वाजिब पैसा है, जो पेंशन है, वो हमको मिल सकती है। और इसी तरह से प्रमोशन का भी, और जो गड़बड़ी हो रही है 30-35 साल तक जो है असम राइफल के अंदर, खासकर पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, कई फोर्सों के अंदर और भी फोर्सों के अंदर हमने सुना है, खासकर अब असम राइफल का जो कि आर्मी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, और एक योग्य आदमी भी वहाँ पर अपने काबिलियत को अपने होने के बाद भी उसका भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है प्रमोशन विसंगति के कारण। तो यही एक मैं फाइनल यही कहूँगा, MACP हमें चिट्ठी लिखनी चाहिए सरकारों को और अपने अपने डिपार्टमेंट को, DOPT को, संबंधित मंत्री को, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय को, और अपने अपने हेडक्वार्टर को कि हमारी ये पेंशन इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम फौज में होते 20 साल में तो हमारी बेसिक पेंशन 42,000 के आसपास होती, और उसका आधा हमारा जो है 21,000 हमारी पेंशन बनती, क्योंकि नए जो आ रहे हैं उनकी बन रही है और वो जायज़ है, लेकिन हमारी पेंशन 10-12-13 हज़ार बेसिक पेंशन आ रही है, जो कि एक सरासर गलत है और ये अन्याय है। और इसे ठीक करके, इसको पेंशन रिवीजन करके और MACP और ग्रेड पे का सही लागू करके इसको ठीक किया जा सकता है करके हमें सबको चिट्ठी लिखना चाहिए। तो यही एक तरीका है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी चिट्ठी लिखें अपने अपने हेडक्वार्टर्स को और उन्हें बताएं कि जो भाई 20 साल सर्विस में जब इतनी बेसिक पेंशन पे पहुँच रही है, तो इतनी पेंशन पहुँच रही है, तो हमारा भी जो जायज हक है कि हमें भी सही पेंशन मिले, हमारा भी सही प्रमोशन की हमारे लिए व्यवस्था हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, जो हमारे वंचित शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं इस समस्या से, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ और एकजुट हों और आपस में ग्रुप बनाएं और शांति प्रेम के साथ अपना ग्रुप बनाएं, और मुझे भी व्हाट्सएप में जोड़ें, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि हम इस समस्या के समाधान के लिए मिलके आगे बढ़ें। और मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641, तो इस नंबर को भी आप उसमें जोड़ें और
मैं जो है फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, और तो इस समस्या का समाधान का यही एक तरीका है। और बाकी कोर्ट वगैरह से जिसको मिल रहा है वो सही बात है, और ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं बात करूँगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और भी किस टॉपिक में वीडियो बनाना है वो कमेंट्स भी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।